दस्तूर नगर जूना बाईपास रस्ते पर लॉर्ड फैमिली होटल के संचालक महेश छाबड़ा रोजाना की तरह सोमवार के तड़के करीब 4 बजे के दौरान होटल का सारा कामकाज निपटाकर घर जाने के लिए निकले। उनके बताने पर करीब 3 संदेहास्पद लोग उन्हें नजर आए थे, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और वो घर चले गए। सुबह 6 बजे उन्हें फोन पर आग लगने की बात मालूम हुई, जहां आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग तथा राजापेट पुलिस मौके पर पहुंची। आग को भारी मशक्कत के बाद काबू में लिया। इस अग्निकांड में होटल की 2 मंजिली इमारत में लगे साहित्य, महंगी वस्तु, कैश काउंटर में रखी 2 लाख की नकदी आग के चपेट में आई, जिसमें 1 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। होटल में लगे CCTV और DVR भी जलकर खाक हुए। बता दें कि इस होटल के बाजू में लॉर्ड वाइन बार के नूतनीकरण काम करते वक्त 2 दिन पूर्व ही मजदूर को शॉक लगा था। उस मजदूर की इलाज के दौरान सोमवार के तड़के 2:30 बजे मौत हो गई और दूसरी तरफ इसी होटल में अग्निकांड हुआ। इस घटना के बारे में होटल संचालक महेश छाबड़ा शाम को राजापेट पुलिस स्टेशन में अग्निकांड की शिकायत देने की बात कही, मात्र शाम 7 बजे राजापेट पुलिस स्टेशन के थानेदार सूर्यवंशी से बात करने पर महेश छाबड़ा ने शाम तक पुलिस स्टेशन आकर जानकारी नहीं दी। ऐसी जानकारी सूर्यवंशी ने फोन पर दी। एक तरफ होटल जलकर खाक हो जाना तो दूसरी तरफ महेश छाबड़ा के भाई संजय छाबड़ा के लॉर्ड वाइन बार होटल में मजदूर को शॉक लगकर सोमवार को ही मौत हो जाना, इस घटना में राजापेट पुलिस छानबीन कर रही है।